दिन जो चिल्लाते हैं ना सिस्टम सिस्टम, 5 से 6 दिन जब नशा रहता है तो आप सिस्टम सिस्टम ही चिल्लाएंगे। इसके थूथड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना मुंह देगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया और मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एल्विस यादव के बारे में, क्योंकि आप लोगों के बहुत ही बड़ा खबर लेकर आया हूँ कि एल्विस यादव ने रोस्ट कर दिया है, वो भी इंडियन मीडिया को। तो चलिए और देखते हैं कि किस तरह से रोस्ट किया है एल्विस यादव के न्यू ब्लॉग पर उसने अपलोड करा है। तो चलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए छोटा सा क्लिप कि एल्विस यादव ने किस तरह से इंडियन मीडिया को खोल के रख दिया पोल। भाई वो क्या करते हैं, मैं दिखाई देता हूँ आपको क्या करते हैं। दिन जो चिल्लाते हैं ना सिस्टम सिस्टम, 5 से 6 दिन जब नशा रहता है तो आप सिस्टम सिस्टम ही चिल्लाएंगे। इसके थूथड़ी पे एक रैप्टा मार दिया ना मुंह देगा। जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन वो मत समझना इसके, ये बेशक मीडिया वाला होगा पर इसके ऊपर मैंने डिफेमेशन वगैरह पता टाइम लगता है इन चीज़ों में, अगर मैं इनके पीछे लग जाऊँ ना इनके घर बार, इनके घर वाले बिक जाएं भगवान की कसम, कच्चे कच्चे बनियान बिक जाए इनके घर वालों के, अगर मैं अपनी वाली पे आ जाऊँ कि डिफेमेशन डाल दूँ साढ़े ना, कोई अभी प्रूव हुआ है कुछ भी। सुनो ये इन्होंने वो बना दिया कि एल्विस तो है ही मुजरिम है, एल्विस वो भी सबसे बड़ा। लेकिन जब पुष्टि हो गई है, पुष्टि हो भी गई, इसकी आवाज इतनी पहनी है कटारिया से भी ज्यादा, माँ कसम इसके गले में हाथ देकर आवाज बाहर निकाल दू पूरी, दिल तो ऐसा करा है मेरा। इसकी आवाज सुन दे, ड्रग्स के नीचे इनका सिस्टम है क्या? खुद ही नागिन लग रही है मेरे को इसे बेच दूं धंधा करने लग जाऊं। गलत चीजें आने के बाद भी लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट करके एक यूथ को बहुत नेगेटिव एग्जांपल दे रहे हैं, गाली खा रहे हैं कमेंट में। एल्विस हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी येट, देयर इज नो एविडेंस। एग्जैक्टली, देयर इज नो एविडेंस। ये भाई किस बिना पे मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब किस बिना पे मेरे को मुजरिम घोषित कर रही है इंडियन मीडिया, मुझे साढ़े ये समझ नहीं आ रहा। मैंने ना आज, मेरे कई दोस्त हैं जो फिल्म सिटी नोएडा में काम करते हैं जहाँ पे सारे चैनल्स ऑपरेट करते हैं, तो एक स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, वो डालूंगा नहीं मैं, वो नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी, बेचारा बेचारी बताऊंगा नहीं मैं। उनने क्या कर रखा कि नेगेटिव करो तभी तो मसाला आएगा, नेगेटिव करो, टीआरपी चाहिए टीआरपी। उनके गलत काम में सपोर्ट करना उनका फॉलोअर नहीं होता। हम पुलिस और कानून एल्विस का सिस्टम तोड़ेंगे। पुलिस चोरी कसेगी अब, पुलिस और कानून एल्विस का सिस्टम तोड़ेंगे, और ये मुझे मिल गया तो एल्विस इनका मुंह तोड़ेगा बचेंगे नहीं, जमी उनका सिस्टम को तोड़ेंगे, समझ रहे हो? और जो लोग सपोर्ट में इतना एल्विस करते हैं ना, उनको भी आंख से देखना चाहिए कि भाई मतलब इन्फ्लुएंसर बोलो कि अभिनेता बोलो संगीतकार बोलो, वो ऐसे नहीं होता जो ड्रग्स करके नशा करके या तो लोगों को थप्पड़ मार के ऐसे करके, वो नहीं होते। देखिए नशा करके थप्पड़ मारा, पीछे से कह रही थी, कह रही नशा करके थप्पड़ मारा, और पता क्या कह रहे जयपुर में जो थप्पड़ मारा मैंने, कह रहे उस टाइम भी इसने नशा कर रखा होगा या फिर इसने जिसने एल्विस को गाली बकी, एल्विस ने उसको नशा बेचा होगा, इसलिए वो नशे में उसको कुछ सुना नहीं, उसने गाली बक दी और एल्विस ने थप्पड़ मार दिया। भाई साहब ये चीजें चल रही है, मतलब कि मन गढ़ंत चीजें चल रही है। सुकून मिलेगा उन माता उन बहन उन बीवियों को जिनके पति सांप का नशा करके आके घर में बवाल हो जाते हैं। मम्मी कसम मैंने नहीं सुना था अभी तक, ये भाई नया भाई, सुकून मिलेगा उन माताओं को उन बहनों को जिनके पति भाई। लाडी भाई आप बताओ आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैंने सांप ही नहीं दिखा कहीं मेरे को, सांप ही विलुप्त हो गए। करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। इनको व्यूज मिल रहे हैं इसलिए लोग छाप रहे हैं, अगर कोई किसी के लिए ये मेरे पॉजिटिव छापेंगे इनको मिलेंगे नहीं व्यूज, मेरे को नेगेटिव दिखाएंगे, एल्विस ने ये कर दिया, मन गढ़ंत कहानी, बेशक गाली खा रहे हो पर व्यूज जरूर मिलेंगे। बताओ न्यूज वाले कल डालेंगे एल्विस यादव ने खरीदी गाड़ी, कोई मैसेज करेगा एल्विस यादव के ऊपर लगा केस, सब मैसेज करेंगे अरे भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया। तो इनको व्यूज मिल रहे हैं उसमें जाकर लोग वीडियो देखेंगे, तो ऑल अबाउट व्यूज। भाई मीडिया इतनी अंधी हो चुकी है हमारी इंडियन मीडिया, सारी न्यूज चैनल्स तो नहीं बट हाँ मेजॉरिटी जिनको ये है कि अपना धंधा चला ले, किसी की इमेज कैसी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, अब बुरी तो चला देंगे, अब जब हम वो बेकसूर घोषित होंगे उसके बाद नहीं चलाएंगे। एल्विस जब बीच में नहीं आया, एल्विस यादव तब कुछ नहीं पकड़ा गया, कहीं नहीं एविडेंस मिले, ये तो नहीं दिखा रहे, पुलिस की रिपोर्ट है कि एविडेंस नहीं मिला, वो सब तो नहीं दिखा रहे, पर चलो कोई बात नहीं, इनका काम है। मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से भाई इनके घर में दो रोटी चल रही है। जाहिर सी बात है कि ये देखने के बाद आप लोगों को समझ में आई गया कि एल्विस यादव के ऊपर बहुत ही बड़ा बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है, और सच में ये है कि नहीं है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि एल्विस यादव सच्चा है या फिर झूठा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना।
फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।